नागपुर स्थित कोराड़ी थर्मल पावर प्लांट से राख का बांध भारी बारिश के कारण टूट गया, जिसके कारण स्थानीय किसानों के खेतों में राख मिश्रित पानी जाने से खेतों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। जिस पर जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुरे ने पीड़ित किसानों के खेतों का मुआयना कर मुआवजा देने की बात कही। दरअसल दो दिन की भारी बारिश के कारण जनजीवन भारी मात्रा में प्रभावित हुआ है। उसी बीच अचानक कोराड़ी पावर प्लांट में फूटे राख बांध का पानी किसानों के खेतों में बह गया, जिससे खड़ी फसलों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और मिट्टी की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ा है। जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राख का बांध अचानक फूटना ये विचारशील विषय है, जिसके संदर्भ में अभी कुछ भी बोलना योग्य नहीं। मात्र मैं उप मुख्यमंत्री से विनती करूंगा कि वह नुकसानग्रस्त किसानों का 100% मुआवजा दे और राज्य सरकार किसानों के साथ है। ऐसी भावनात्मक प्रतिक्रिया भी इस वक्त बावनकुले ने दी। खरा याचं कारण टेक्निकली काय कारण आहे राखेचा बंधारा फुटण्याचं, तसं राखेचा बंधारा फुटत नाही पण काय टेक्निकल कारण आहे बघावं लागेल, कारण काय प्रेशर वाढलाय त्या ठिकाणी, राखेचं प्रेशर किती आहे, त्यांचं रेजिंग झालं की नाही किंवा रेजिंगला काही वेळ लागतो आहे का, हे सारं बघावं लागतं, नंतर त्याचा योग्य निर्णय होतो किंवा योग्य याच्यावर वक्तव्य केलेलं बरं आहे। आता आपण प्रायमरी स्टेजला वक्तव्य करणं योग्य नाही, टेक्निकल काय कारण होतं बघावं लागेल, पण मी स्वतः माननीय देवेंद्रजींना विनंती केली आहे की जे शेतकऱ्याचं नुकसान झालं आहे माननीय त्या ठिकाणी तहसीलदार आणि कृषी अधिकारी जे काही अहवाल देतील त्या अहवालाप्रमाणे आजच्या जी काही नुकसान झालं आहे पीक पाण्याचं ते 100% भरपाई दिली पाहिजे अशी विनंती मी माननीय उपमुख्यमंत्र्याला करणार आहे। एनबीसी न्यूज के लिए अजित कुवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।